रायबरेली रोटरी क्लब द्वारा सीआरपीएफ की महिला राइडर्स का रायबरेली में जोरदार स्वागत किया। जैसे ही सीआरपीएफ की महिला जवानों का काफिला रायबरेली पहुंचा तो रोटरी क्लब के पदाधिकारियों व सदस्यों ने महिला राइडर्स का भव्य स्वागत किया। रायबरेली में स्वागत के बाद में महिला राइडर्स का ये काफिला लखनऊ के लिए रवाना हुआ। वहाँ भी सीआरपीएफ की महिला जवानों का भव्य स्वागत किया जाएगा। सेवा के अधिकारी ने महिला राइडर्स की इस यात्रा के विषय में विस्तार से जानकारी दी और ये बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एवं महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से सीआरपीएफ की महिला राइडर्स की ये रैली निकाली गई है। सीआरपीएफ की महिला राइडर्स किधर से होकर निकल रही हैं, वहां उनका जोरदार स्वागत किया जा रहा है। इसके साथ ही उनके द्वारा महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया जा रहा है। महिला स्वावलंबन के विषय में भी सीआरपीएफ की महिला जवानों द्वारा बताकर महिलाओं का मनोबल बढ़ाया जा रहा है। रोटरी क्लब के पदाधिकारियों ने सीआरपीएफ की महिला टीम द्वारा निकाली गई इस रैली के विषय में विस्तार से प्रकाश डाला। वहीं सेवा के अधिकारी ने भी इस यात्रा के उद्देश्य पर विस्तार से जानकारी दी है। आज मैं और मेरी पूरी टीम सीआरपीएफ के बिहार पे रोटरी क्लब का तहे दिल से शुक्रगुजार है, अपना धन्यवाद ज्ञापन करता है कि आप लोगों ने इतने शॉर्ट नोटिस पे, हम लोग वहां से बढ़े थे, रास्ते में बात हुई और इतने शॉर्ट नोटिस पे इतना बेहतरीन कार्यक्रम आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया। डेफिनेटली सफ़र लंबा था, भूख थी, सारी चीज़ें थी, लेडीज़ हैं जेंट्स हैं सभी लोग हैं, ट्रैवल कर रहे हैं तो थकान सी हो ही जाती है, इस चीज़ को नहीं नकारा जा सकता है। लेकिन आपने इस चीज़ को समझा और मार्ग में आ रहे रायबरेली में जितना बढ़िया आप लोगों ने शहर में आप लोगों ने वेलकम किया, फिर इस क्लब में आने के बाद आप लोगों ने जिस तरह से वेलकम किया और हमें रोटरी क्लब के बारे में बहुत कुछ पता चला आज के सारी टाइम। जैसा कि आप देख रहे हैं सीआरपीएफ की तरफ से महिला बाइक एक्सपीडिशन एक रखा गया है, ऑर्गेनाइज किया गया है, जो कि 3 अक्टूबर को एक टीम हमारी श्रीनगर से, बाकी 5 अक्टूबर को 2 टीमें जो कि क्रमशः एक शिलोंग और कन्याकुमारी से निकली हैं गंतव्य स्थान, और हमारा गंतव्य स्थान भी है 31 अक्टूबर को एकता नगर, गुजरात के एकता नगर स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास पहुँचना है। वहीं पर आइए, तीनों टीमें मिल करके इनका जो है एक्सपीडिशन है वहाँ का समापन। इस एक्सपीडिशन के दौरान जो है तीनों टीमें 15 राज्य 2 केंद्र शासित राज्य और इस दौरान 10,000 किलोमीटर को कवर करेगा। एक्सपीडिशन के थ्रू जो है सीआरपीएफ के महिला जो राइडर्स हैं हमारे, इनको थ्रू जो है जिस ये राज्य से गुजर रही है वहाँ पे ये संदेश दिया जा रहा है महिला सशक्तिकरण का एवं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और इन राइडर्स को देख करके जिस जगह से भी गुजर रही हैं वहाँ की जो पब्लिक, जो भी स्कूल के बच्चे कॉलेज के बच्चे जहाँ जहाँ से हम गुजरे हैं सभी ने इनको बहुत बेहतरीन रिस्पांस दिया है। सभी जो है बहुत इनका हर्षोल्लास के साथ इन लोगों का वेलकम किया और इससे इन लोगों को भी जो है बहुत गर्व की अनुभूति। और हम मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जिस मकसद से हमारी टीम बाहर निकली है वो मकसद हम किसी हद तक देश के कोने कोने में फैलाने में सक्षम हैं। आज रोटरी क्लब रायबरेली उन वीरांगनाओं का स्वागत कर रहा है जो सीआरपीएफ में हैं, वो शिलांग से गुजरात में अहमदाबाद जा रही हैं, जो 3 अक्टूबर को निकली है वहां से और 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के दिन जो बढ़िया स्टेचू बनी है वहां पहुंचेगी। ऐसी 2 टीमें और निकली हैं, एक श्रीनगर से निकली और एक और जगह से निकली है जो वहां पहुंच रही है। आज रोटरी क्लब रायबरेली ने रिक्वेस्ट मानकर उन लोगों का स्वागत करना स्वीकार किया। ये रैली जब से हमारे डिस्ट्रिक्ट थी और दूसरे रूप में आई है, बनारस में इनका स्वागत हुआ, फिर इलाहाबाद में, आज रायबरेली में, कल लखनऊ है और इसके बाद बरेली में भी इनका स्वागत होगा। इनसे स्वागत करके हम लोग और 4 होंगे जो हमारी सेवा करता है, हम उसकी अगर सेवा करके एक क्षण भी कुछ कर पाए ये हमारा सौभाग्य है। और रोटरी क्लब इनका स्वागत करके अंदर से अनुग्रहित है और गर्व भी कर रहा है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।